इनका वो सूपड़ा साफ होगा कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अब की कोई सरकार आएगी तो सपा सरकार आएगी। ये कहते हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमें ये नहीं समझ में आता कि ये राम को लाए हैं या राम इनको लाए थे। और रोजगार पे सरकार पूर्णतया जो है विफल रही है, तो सरकार जो है वो बदलने का इरादा है। छात्रों के हित में इनका कोई भी काम नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए परेशान है, बच्चे तीन तीन साल से वैकेंसियां नहीं आई हैं, वो लोग तो वोट नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में, मैं हूँ सबा खान। चुनाव आयोग ने यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने का ऐलान कर दिया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर सवाल ये है कि जनता किसे चाहती है अपना मुख्यमंत्री, इसी पर हम यहां पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। सर, चुनाव की डेट तो आ गई है लेकिन जनता किसे चाहती है मुख्यमंत्री? जनता, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो जनता को उसी को वोट देना चाहिए जो उनके उनके इंटरेस्ट पे काम करते हो। जैसे मैम, इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, किसी भी व्यक्ति को केवल 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। 3 बेसिक चीज़ अगर मिल जाती हैं तो उसका मतलब लाइफ बहुत इजली वे में चलता है। जैसे अगर ले लें 3 बेसिक चीज़, अगर हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें और जस्टिस ले, अगर इसको अफोर्डेबल बनाया जाए तो मतलब लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है। लेकिन उस पर मतलब प्रॉपरली इस पर ध्यान दिया जाता नहीं है। अगर देखा जाए एजुकेशन, अभी UPSI का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली हुई है जिससे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये सब अगर टाइम से होता है तो बच्चे भी सारे एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन इस बार अब जो सरकारें दावा कर रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बसपा बोलती है हमारी बनेगी, सपा बोलती, सभी सरकारें सभी पार्टियां दावा करती हैं, तो अभी आचार संहिता लग गया, डेट आ गई है चुनाव की, अभी क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? इस पे मतलब क्लियर नहीं बोला जा सकता क्योंकि इस पे अभी बोलना सही भी नहीं है। और मेरे हिसाब से उसको CM उसी को बनना चाहिए जो मतलब एजुकेशन वगैरह पे अच्छे से काम करे। मतलब मेरा भी वो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार आनी? सरकार उसकी आनी चाहिए जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम कर सके। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में यूपी की बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत हद तक स्टूडेंट परेशान रहे हैं और मवेशी भी परेशान हैं। लॉकडाउन लगा कि बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं हम लोगों को भी यहाँ रहते हुए। अब घर वालों से जो लड़के पढ़ रहे हैं बाहर, उनको प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जब पेपर दे के आओ तो दूसरे दिन सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, स्टूडेंट का मोटिवेशन डाउन। BJP बोलती है हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे क्योंकि उन्होंने राशन, तेल, सब कुछ, आवास, शौचालय, हर चीज़ सुविधाएँ दी हैं जनता को, गाँव से लेकर शहर तक विकास किया है। अब वो नेता नगरी का मामला है, अभी सपा होती तो वो भी यही बोलती, BJP है तो वो भी बोलती। राशन अभी फ्री मिल रहा है लॉकडाउन में, अभी PM केयर फंड में कितना पैसा हम लोगों ने दिया, उसका जब इंक्वायरी की बात आई, लोगों ने सवाल उठाए, उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो जनता का ही पैसा है, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, तो उसका क्या मतलब है कि हमने ये किया वो किया। मैम, सरकार का तो ये कह सकते हैं कि जैसे मैं टीचिंग लाइन से हूँ और 2017 में मैंने BLED कोर्स किया था, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मैम 2017 में आया था तो हमने 3.5 लाख रुपये अपनी जो है 4 साल की फ़ीस सबमिट करी, और उसके बाद मैम 5 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। और अगर आप देखें तो पर मंथ 10,000 रुपये तो मिनिमम हो ही जाता है, अगर आप ऐसे देखें तो कम से कम 10-12 लाख रुपये लग जाता है। उसके बाद मेरा 4 साल का कोर्स कंप्लीट होता है और मैं 28 नवंबर को अपना TET का पेपर दे रहा था मैम, और पेपर भी अच्छा था और ये चीज़ें तैयारी भी हम लोगों की अच्छी थी, और बाद में 1 घंटे बाद आधा पेपर सॉल्व करने के बाद ये पता चलता है कि जो है कि सरकार का ऐसा ऐसा आदेश है और पेपर लीक हो गया है और आप लोग पेपर छोड़ दीजिए और जाइए। ये चीज़ें हैं मैम, तो हमें ये चीज़ है कि शिक्षा पे सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है मैम। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं कोई भी मतलब संतुष्ट नहीं है एक तरीके से। मैम हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो रोज़गार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे। मैम मेडिकल की चीज़ें जैसे हैं, अभी कोरोना का पहले अभी आप देख ही चुकी हैं, 2 बार लॉकडाउन हो चुका है, फिर भी हमारी सरकारें जो हैं वो कुछ ध्यान नहीं देती। मैम हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो शिक्षा ही है ना, अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम हर सारी चीज़ें वो सरकार से खुद छीन सकते हैं। बेहतर सरकार कौन कौन सी है?
मैम बेहतर सरकार अब ये कह सकते हैं ना कि जो हमें रोजगार देगा वही है, और रोजगार पे सरकार पूर्णतया जो है विफल रही है, तो सरकार जो है वो बदलने का इरादा है। सरकार तो कहती है कि हमने सब कुछ फ्री कर दिया है, तो क्या फ्री का जादू चुनाव पर दिखेगा? मैम फ्री का क्या होता है, अभी पहला लॉकडाउन 22 मार्च को जब लगा हुआ था तो हमारी सरकार ने ये बोला कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, लोगों ने उनकी बात मानी, सब कुछ ठीक है, लॉकडाउन खुला, उसके बाद धान गेहूँ की ऐसी खेती चलती है, किसान भी परेशान है, और उन्होंने 900 रुपये कुंटल 1000 रुपये कुंटल जो है गेहूँ धान खरीद लिया। मैम वही धान गेहूँ पहले 1700-1800 रुपये कुंटल बिकता था, मैम इतना ये सारा बिका, और उसके बाद में जब 900 रुपये कुंटल खरीद के 2-2 किलो बाद में गेहूँ चावल आटा जब फ्री दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। 5-5, 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल हो जाता है यहाँ पढ़ते पढ़ते। मैम 2016 से मैं खुद आया हूँ, मैम मैंने अभी बताया ना आपको 3.5 लाख मैंने फीस अपनी सबमिट करी, उसके बाद मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ। अगर 10,000 रुपये भी आप रख लेना तो तब भी 6 लाख रुपये मेरा ऐसे ही हो गया रहने खाने का, 10-12 लाख रुपये लगता है मैम, बाद में पेपर देने जाते पेपर कैंसिल हो जाता है, तो मैम क्या फ़ायदा पढ़ने का? जो भी विपक्षी जनता के मुद्दों को उठाएगा अच्छे से, जनता उसी पे विश्वास करे। विपक्ष की तो सभी पार्टियां साथ देती हैं, जब चुनाव का टाइम होता है तो तरह तरह की बातें करती हैं सभी पार्टियां, लेकिन आपको क्या लगता है, आपने सभी का कार्यकाल देख लिया है? हाँ, मैंने लगभग सबका कार्यकाल देखा, मायावती जी का भी, अखिलेश जी का, लेकिन अखिलेश जी के कार्यकाल में विकास के कार्य भी हुए और युवाओं को रोजगार भी मिला, तो जनता एक बार फिर से मुझे लगता है मुख्य विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है उस पर विश्वास करेगी, क्योंकि किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी नहीं हल हो रही हैं, गांव देहात में लोग आवारा पशु जो सांड कहते हैं उनसे फसलों को दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ पे इतनी सारी कोचिंग आप देख रही हैं, ज़्यादातर युवा जो है नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे बीजेपी बोल रही है कि हम पूर्ण बहुमत से फिर से आएंगे, डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी। देखिए कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अंत में फैसला जनता का ही होगा, अभी वो कहेंगे कि हम जीत रहे हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन इस तरह प्रोपेगेंडा से काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है, जनता अपने वोट से तय करेगी कि कौन जीतेगा। अब चुनाव से पहले कोई अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहता कि मैं हार रहा हूं कह के, बाद में सारी चीज़ें सामने 10 मार्च को। किसकी लग रही है आपको? मुख्य रूप से सपा और बीजेपी की, और जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं युवाओं की रोजगार के मामले में और उसको पूरा करे यही मेरी उम्मीद होगी। विपक्षी दल जो भी जीत के आए वैसे समाजवादी पार्टी का उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन ये भी अगर आते हैं तो खासतौर से जो भी वादे करें उनको पूरा करके दिखाएं, नहीं करते हैं तो फिर युवाओं को एक बार फिर से धोखा महसूस होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आप वादे करिए बिल्कुल सही करिए। बीजेपी ने धोखा दिया है युवाओं को? कुछ हद तक कह सकते हैं, और जो नौकरी पा गया है वो तो संतुष्ट बताएगा, लेकिन अभी जो नहीं पाया है, अभी क्या हुआ है कि कौन है जो नौकरी पा गए हैं? अब यहाँ पे जो खड़े हैं वो नहीं पाए हैं। आरक्षण की बात तो नहीं कर रहे हैं, जिन लोग आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे? नहीं, आरक्षण तो बड़ा मुद्दा है, आप किसी को जो है 69,000 भर्ती निकाली और कुछ समूह के लोगों को ज़्यादा भर दिया, आरक्षण घोटाला कर लिया, साल भर भर अभ्यर्थी धरना करते रहे, फिर बाद में आपको याद आया कि नहीं तो गड़बड़ हो गया, घोटाला को आपने नाम विसंगति दे दिया है, वो ठीक नहीं है, सही को सही कहना ज़्यादा अच्छा है। तो अब जाके अब देखिए आचार संहिता लग गई है, उनकी ज्वाइनिंग कब होती है अभी कुछ पता नहीं है। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार आएगी? मैम अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए उसमें सपा भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, मायावती भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि जनता सब कुछ सब देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, जो आप मान लीजिए 97,000 वैकेंसी के लिए बोले थे टीचरों के लिए आया नहीं अभी तक। बीजेपी से संतुष्ट हैं? नहीं मैम, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं है सर, चुनाव की डेट आ गई है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार जिसकी है उसी की रहेगी, और क्या? बीजेपी की रहेगी? हाँ, जिसकी पहले से है वही रहेगी। बीजेपी ने युवाओं को रोजगार दिया है? नहीं, हमारे हिसाब से दिया है, कुछ लोग कहते हैं नहीं दिया है। आपके हिसाब से कैसे, कौन से सेक्टर के लोगों को नौकरी मिली है? नहीं, नौकरी देने की बात जैसे पिछले सरकार करती थी काम, उससे तो अच्छा ही हुआ है। अब कोई भी लीड लीजिए, चाहे बेरोजगार वाले जितने बताते, रोजगार के लिए युवा संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए बताइए। नहीं, आप कहते हैं मतलब शहर में ज्यादा बेरोजगार है, ग्रामीण क्षेत्र में बताइए आप कहाँ, आप मतलब ये बताइए कि मतलब शहर में ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्र में? ऐसा लगता है सब जगह? नहीं, सब जगह नहीं है, कुछ न कुछ काम अपना करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं है। गांव क्षेत्र पर देखा जाए तो सबका जो है ये श्रम कार्ड के हिसाब से जो पहले नहीं बनते थे मनरेगा वाले, उनके काफ़ी प्रधानों के द्वारा बनाए गए हैं, और जिला स्तर पर देखा जाए जितने भी काम होते हैं, होते तो हैं पर कुछ विपक्ष में होते, वो तो अपने हिसाब से कहेंगे, उनको कुछ ना कहना है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। आपको भी लगता है कि बीजेपी ने काम किया है और दोबारा आएगी? नहीं, काम इन्होंने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, लेकिन छात्रों के हित में इनका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि जो लोग शिक्षक भर्ती के लिए परेशान है, बच्चे 3-3 साल से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, वो लोग तो वोट नहीं करेंगे,
रही बात मंदिर का, जैसे काशी कॉरिडोर का है या अयोध्या मंदिर का है, इन्होंने कई इंटरनेशनल स्टेडियम मतलब स्टेडियम का भी वहाँ पे पुनर्जीवीकरण किया है, उसके बाद में जैसे एयरपोर्ट वगैरह हैं उनको भी डेवलप किया है, काम इन्होंने किए हैं, काम ऐसा नहीं कि नहीं किए, लेकिन रही बात लोगों की बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ी हुई है इस गवर्नमेंट में, और जहाँ तक ऐसा है कि बीजेपी पार्टी तो बहुत बड़ी बन चुकी है क्योंकि सारी गंदगियाँ अब अलग अलग से घुस के इसी में इकट्ठा हो चुकी हैं, तो सारी पार्टियों का जो समामेलन होता है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो भ्रष्ट थे वो भी इसी में घुस चुके हैं, और रही बात ऐसा कि यहाँ पे एक तरफा तो कुछ नहीं, पार्टी को भ्रष्ट बता रहे हैं लेकिन पार्टी तो बोलती है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, भ्रष्टाचार तो और भी इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, ऐसा नहीं कि जो लोग भ्रष्ट थे वो अलग चले गए, वो कहीं से खत्म थोड़ी ना हुए, वो भी तो एक जो इनके साथ जुड़ गया वो भ्रष्टता उसकी खत्म हो गई, जो अलग है वो भ्रष्ट है, ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। हाँ ये है कि काम इन्होंने भी किया है, काम पिछले सरकार ने भी किया था, हम लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, हमें किसी सरकार से या किसी उससे बहुत विशेष मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग खुद से तैयारी करेंगे तभी नौकरी मिलनी है। खेद हम लोग को इस बात का है कि वैकेंसियाँ आनी चाहिए टाइमली, कम से कम ये तो है कि जो बेरोजगारी दर बढ़ी है वो घटनी चाहिए, बाकी ऐसा नहीं कि इस गवर्नमेंट ने काम नहीं किया था या पिछली गवर्नमेंट ने काम नहीं किया था, काम सब ने किया है, लेकिन जो है जैसे अभी जो धरना लोग दे रहे थे शिक्षक भर्ती पे, इतने बच्चे परेशान हैं, कम से कम वैकेंसी तो आनी चाहिए थी, 3 साल से शिक्षक भर्ती की कोई वैकेंसी नहीं है, 69,000 की वैकेंसी थी वो फाइनल भी वही फाइनल हुई है, उसमें के जो बचे थे पद उनको कंप्लीट कर लिया गया है, बाकी ना शिक्षक भर्ती आई है। सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं? मैम ऐसा नहीं कि सरकार बदलनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बुरी नहीं है क्योंकि इन्होंने भी जो ऐसे काम भी किए हैं जो पिछली गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती थी, कभी भी नहीं कर सकती थी। हम लोग मानते हैं कि राम मंदिर निर्माण हुआ है इस गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट की देन नहीं, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन जब गवर्नमेंट ये ना होती तो फैसला ही ना आता, ऐसा भी है कि जब ये गवर्नमेंट ना होती तो फैसला ही ना आता। इन्होंने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया है, अयोध्या कभी अयोध्या का नाम 5 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज के समय में देश की पहचान अयोध्या से हो रही है, काशी कॉरिडोर पे जो खर्चा हुआ उतना तो पिछली गवर्नमेंट में सफाई महोत्सव में खर्चा कर देते थे, ऐसा नहीं है, वो लोग भी काम नहीं करते थे, जो गवर्नमेंट देगी हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे, मंदिर बनेगा तो दर्शन करने वहां भी जाएंगे, जो हिंदू होंगे वो मंदिर में दर्शन करेंगे, जो मुस्लिम होंगे वो मस्जिद में दर्शन करेंगे। मंदिर में जाते हैं, बिल्कुल दोनों जाते हैं मंदिर में, भाई सेकुलर कंट्री में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम मुस्लिम भी जाएंगे और हिंदू भी जाएंगे मंदिर में, तो सब जाते हैं। मैम मेरी मानसिकता ऐसी है कि मैं हूँ हिंदू, लेकिन जो ये एक एक तरीके से कह सकते हैं ना, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान को बनाने में हर एक व्यक्ति का योगदान है। मैं 100 की सीधी बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँगा, मंदिर पड़ेगा, मैं वहाँ भी अपनी मस्तिष्क को झुकाऊंगा, और चाहे गुरुद्वारा चर्च या मस्जिद कुछ भी पड़ता है। सरकारें जहर घोलने का काम कर रही हैं अभी कि हम हिंदू हैं तो हमने हिंदुओं के लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बहुत सारी चीज़ें बाहर से, मतलब ये सब चीज़ें क्या आज के युवा में ये चीज़ें हैं दिमाग में? मैम ये बोलते हैं हिंदू खतरे में है, ठीक है ना मैम, बीजेपी बोलती है हिंदू खतरे में है, राष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, इतने सारे राज्यों में मुख्यमंत्री तुम्हारे, MLA तुम्हारे, सारे जब तुम्हारे हैं तो हिंदू खतरे में कैसे है? जब वैकेंसी नहीं आएगी, छात्र के हित में कुछ होगा ही नहीं, उसको जॉब ही नहीं दोगे तो फिर क्या मतलब है? सारी चीजें प्राइवेट हो रही हैं, क्या मतलब कुछ फ्री ही मिल रहा है तो फिर रोजगार फ्री लेकर के यही तो मैं कह रहा हूँ, फ्री लेकर के फ्री देना लोगों को असाध्य बनाना है। मैं तो यही समझता हूँ कि देश में सिर्फ 3 चीजें मुफ्त होनी चाहिए, वो है हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे अस्पताल, जिसको बीमारी है जिसकी जिसको दिक्कत है दवाई उसको खर्चा मुफ्त कर दो, शिक्षा मुफ्त कर दो, जब शिक्षा किसी को दोगे तो सब कुछ खुद से ले लेगा। रही बात यूपी की कोई भी वैकेंसी हो किसी भी गवर्नमेंट में हो कोर्ट जाती है, 2016 की वैकेंसी, मुझे किसी गवर्नमेंट से क्या मतलब है? जब सरकार पारदर्शिता की बात करती है तो सरकार क्यों नहीं दिखा रही पारदर्शिता, ये बताओ क्यों जाती है, क्यों क्या आप बताइए, कर्मचारी कोई भी क्या मुख्यमंत्री से बड़ा हो जाएगा, ये बताओ, यदि मुख्यमंत्री चाहे तो कुछ भी कर सकता है प्रदेश के अंदर। हिंदू कैसे खतरे में मैम? अगर वोट मैम ये चीज होती है ना कि ये जो बीजेपी वाले हैं इनका एक सिस्टम ये रहता है कि ये इनकी पार्टी के जो मुस्लिम हैं वो सारे हिंदू, आज अगर मैं किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके बैठा हूँ और मैं अभी दूसरी जगह चला जाऊँ दूसरी पार्टी में, मैंने बीजेपी को छोड़ दिया तो मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हो गया, मैं राष्ट्र विरोधी हूँ, मुझे देश से प्यार नहीं है, आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ मैं सबसे बड़ा समझ लो देशभक्त हूँ, मैं बिल्कुल मतलब पूरा हिंदुस्तानी हूँ, हमारे अंदर जो है ना बिल्कुल
बिल्कुल भर दिया गया है, मतलब हम हाँ हमारी रूह रूह में समझ लो कि मतलब मैं देशभक्त भक्त हूँ, और अगर मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन किया हूँ तो मैं कोई राष्ट्रभक्त या देशभक्त नहीं है, ये इनकी मानसिकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। अच्छा यहाँ पर ये बताए कितने लोग हाथ उठा के बताए कितने लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी आए? मैम मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हिंदुओं का विकास हुआ है, कहाँ हुआ है मैम? एक एग्जांपल दीजिए, हिंदुओं का विकास हुआ है, इन्होंने बोला, सरकार बोलती है कि विकास हुआ है, इन्होंने बोला राम मंदिर मैंने बनाया, तो या तो एक बात ये बोल ले कि सुप्रीम कोर्ट किसी का फेवर नहीं करती है, और फेवर किए फिर तो ये मतलब इसके उसमें आता है। सर बोल रहे थे अभी, कौन सा सर से बोल रहे थे, अगर बीजेपी नहीं आती तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला ही नहीं आता, तो इसका मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर डिपेंड कर रही है ना मैम? फिर आप उसको फिर आप बायस बोलिए, आप उसको इंडिपेंडेंट कैसे बोलते हैं? फिर आप कहते हैं जज हमारा सब कुछ, जस्टिस हमारा इंडिपेंडेंट है, और अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट उसको बीजेपी को फेवर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की देन है मैम। लेकिन आप अभी बोल रहे थे कि अगर बीजेपी नहीं आती, ऑन रिकॉर्ड है सर, आपने बोला बीजेपी नहीं आती तो सुन लीजिए, मैंने मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले, मैंने कहा कि राम मंदिर का फैसला इनकी गवर्नमेंट के टाइम पे आया है, इनकी गवर्नमेंट की देन नहीं, वो देन सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है? हम आप पढ़ती हैं प्रियम्बल, पढ़ती हैं संविधान, जब पढ़ती हैं स्टार्टअप में ही हम भारत के लोग, ठीक है ना? संविधान जो है वो किसी एक के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं है। ये कहते हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये राम को लाए हैं या राम इनको लाए थे, ये नहीं समझ में आता ना। दूसरी चीज, अभी पंजाब में हुआ कि पीएम सिक्योरिटी का क्या था, उनको खतरा था। मैं बोलता हूँ कि अगर प्रोटेस्ट करने से खतरा है, यहाँ पर ये सवाल इन्होंने किया कि प्रधानमंत्री को पंजाब में खतरा था, कितने लोग मानते हैं कि पंजाब में खतरा? मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, अगर खतरा था, अगर खतरा था तो मनमोहन सिंह जेएनयू गए थे, उनके ऊपर पत्थर भी चले थे, ऊपर से उन्होंने कहा था कि केस विड्रॉ करो बच्चों के ऊपर से, स्टूडेंट्स हैं हमारी, वो मिलती नहीं है क्या कहते हैं सोच, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स हैं, अपना प्रोटेस्ट करें, उनका हक है, और किसान भी उनका हक था, वो एक साल वहाँ किए, आप क्या बैरिकेडिंग, कील क्या, पानी टैंक सब कुछ खाली किया आपने, और आपके मतलब 10 लोग खड़े हो गए, आप इतनी एसपीजी खड़ी थी आपके साथ, भून देती उन लोगों को, आपको खतरा था, सिर्फ पॉलिटिक्स मैम, हर जगह पॉलिटिक्स। सिक्योरिटी में चूक सबसे ज्यादा पंजाब सरकार की वजह से हुआ या गृह मंत्रालय की वजह से? गृह मंत्रालय मैम, जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर की जाती है सबको पता है कि मैम 15 दिन 20 दिन पहले से वो नेशनल सिक्योरिटी उसका होता है जो होम मिनिस्टर के अंडर में आता है, और आप मैम चीफ मिनिस्टर के उसमें कैसे आ गया? और दूसरी चीज मैम, इन्होंने कहा 1 लाख भर्ती, अभी मैं कल कटिंग देख रहा था कि 1 लाख भर्ती दिसंबर में दी है इन्होंने, कहा दी है, 24 अगस्त को पेट का एग्जाम हुआ है, इन्होंने बोला था 1 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का नोटिफिकेशन 7 तारीख को आया है, और कल से आचार संहिता लगी हुई है, और कितने लोग होंगे इसमें से, मैक्सिमम लोग जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया होगा, यूपीएसआई हुआ मैम, एग्जाम हो गया लेकिन छूट गया, अब ये कोर्ट में ही जाएगी वैकेंसी, सबको पता है कोर्ट में चली गई है, जाएगी यूपीपी की 26,000, बस अब टेंडर निकाले हैं, क्या कहते हैं, एक दिन आचार संहिता के पहले टेंडर निकला हुआ, क्या कहाँ पे क्या है? अब हिंदू कहाँ, हिंदू 2014 से पहले खतरे में नहीं था, तुम्हारी सरकार के आने में खतरा हुआ, इसके मतलब गलती तुम्हारी है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और फ्री दे रहे हैं सब कुछ, फ्री देने का वादा कर रहे हैं, फ्री ले रहे हैं कि हमने गांव से लेकर शहर तक का विकास कर दिया। मैम विकास, ये विकास नहीं होता है, 4 महीने आप कह रहे हो राशन दे रहे हो, राशन देखिएगा मार्च के बाद जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा राशन खत्म, जैसे जियो का मुद्दा था, वैक्सीन हमेशा लगती थी मैम, हम टैक्स पे करते हैं, उसका टैक्स किस बात का देते हैं आप? रोड देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसी का तो हम पैसा देते हैं, हमारी हेल्थ के लिए आपको टैक्स देते हैं, और आप कह रहे हैं कि फ्री कैसे? अभी तो महामारी के रूप में आई थी ना, तब कांग्रेस ने एडवर्टाइजमेंट नहीं कर दिया था इतना लंबा कि आज हमने पोलियो, मैम आज पोलियो जड़ से खत्म हो जा चुकी है ना, बहुत कम केसेस, बिल्कुल एक नाम मात्र देखने को मिलते हैं कभी कभार, तब कांग्रेस सरकार ने नहीं लगा दिए थे बड़े बड़े पोस्टर कि हमने वैक्सीन लगाई लोगों को, मैम तब तो 18 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लगी थी ना मैम, यही हमने पढ़ा है, 18 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लगी। सरकार जो भी काम करती है वो श्रेय अपने आप पे ले लेती है। अब समाजवादी पार्टी के एक लीडर थे, उनका बयान था कि राम जो है वो वोडका में मिलते हैं, वो जब बीजेपी ज्वाइन किए तो उसके बाद उनका गंगा से स्नान हुआ और वो हो गए भक्त, देशभक्त हो गए, गंदगी उनकी दूर हुई। कपिल जो दिल्ली के कपिल, उनका क्या टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया, उन्हें दिल्ली बुला के बिठा लिया गया, इस पर आप लोग कुछ बोलेंगे? वो मैम अजय मिश्रा टेनी का सिस्टम ये है ना कि वो अभी उनका वोट बैंक, उधर वोट बैंक वाला सिस्टम है ना, अगर अभी उनको वो बर्खास्त कर देंगे ना तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा, तो अभी वो ये सोच रहे हैं कि अभी हमारा जो माहौल है थोड़ा बना, और वो जाने वाले बिल्कुल है ये,
ये जा रहे हैं मैम, आप इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, अब यही चीज है, कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन इनका वो सुपड़ा साफ होगा कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। खत्म हो गए अब ये, अभी आपको मार्च में दिख जाएगा इसका नतीजा। मिश्रा को बर्खास्त करने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, उनको बर्खास्त इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनसे नाराज हो जाएगा, और लेकिन ये जानते हैं जीतने के लिए क्या ऐसा कर सकती है सरकार। मैम सरकार पूरा करती है, भाजपा की राजनीति, जनता तो हमेशा से यही कह रही है कि हाथ किसानों के साथ साजिश हुई है। अभी आप देखिएगा दंगे होंगे, अभी आप देखिएगा, ये बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार कुछ भी करा सकती है मैम, जानती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण वर्ग जो कह रहे हैं ना, ब्राह्मण वर्ग पूरे नाराज हैं, देख लीजिए आप 5 सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है, सबसे ज्यादा। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं सुल्तानपुर से हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मैं बता रहा हूँ इस सरकार से पूरा ब्राह्मण वर्ग नाराज है मैम, हर वर्ग। देखिए यूपी की राजनीति सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हिंदू अपने जाति धर्म पे आधारित होती है राजनीति, चाहे यूपी की हो चाहे बिहार की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं ब्राह्मणों के साथ हूँ। आप बताइए कितने ब्राह्मण मारे गए हैं, हम बताएं। देखिए यूपी में हो या कहीं पे भी हो, अपने पूरे देश में पूरी जनता मिलके सरकार बनाती है, तो ब्राह्मण हमारे साथ में है, कोई सरकारें बोलती है मुस्लिम हमारे साथ में, कोई बसपा बोलती है कि बहुजन हमारे साथ में, कोई नहीं था ऐसा, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जाति सबसे तभी 300+ सीटें पाए हैं मैम, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों ने वोट दिया था। अगर सरकार बनने के बाद क्या ये बोलना जरूरी है कि ब्राह्मण के लिए हमने ये किया, मुस्लिम के लिए ये किया? मैम जो आदमी कब्रिस्तान और शमशान को बांट दे वो ब्राह्मण क्या, उसके लिए क्या मुस्लिम क्या हिंदू? जिसने कब्रिस्तान और शमशान को बांट दिया आपने, और आप क्या हिंदू क्या मुस्लिम आप देखेंगे? तो उनके लिए कुछ नहीं मैम, उनके लिए सबसे घटिया सोच उनकी बस राजनीति है बस, उनको कुलदीप सिंह सेंगर मैम देख लीजिए आप, आज बरी हो गए मैम, हाई कोर्ट ने बरी कर, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया उनको, बाकायदा उन्होंने सपा के लाल टोपी के साथ ये लगाया है कि इसमें जो है गुंडागर्दी होती थी, आतंकवाद होता था। मैम देख लीजिए सबसे ज्यादा धाराएं, देखिए आप, हम ये नहीं सपोर्ट नहीं करते अखिलेश यादव की बात, देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ और वो अखिलेश यादव है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप पार्टी को ऐसे टारगेट करके पोस्टर लगा देना सही है मैम? टारगेट सही, देखिए टारगेट की बात अलग है, देखिए सबसे ज्यादा मुकदमे सबसे ज्यादा धाराएं किसी के पास है तो योगी आदित्यनाथ के पास, किसी ऐसा मुख्यमंत्री के पास, ठीक है? हाँ, और ये बताइए आप वो कहते हैं कि हम इसमें भयमुक्त प्रदेश हो गया, भयमुक्त नहीं है, भयावह मुक्त प्रदेश है। समाजवादी पार्टी करने का एक ही रीजन है क्योंकि वही समाजवादी पार्टी है जो इनको हरा सकती है यूपी में, और कोई पार्टी है नहीं जो हराएगी। और दूसरी मुद्दा बेरोजगारी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, और यूपी में अब की कोई सरकार आएगी तो सपा सरकार आएगी। भर्तियां कितनी लीक होती हैं आप बताइए, ये सब जानती हैं, ये सब कौन कराता है? इनके मंत्रीगढ़ कराते हैं, इनके सब मंत्रीगढ़ कराते हैं, इनके सरकार के कर्मचारी कराते हैं, यही सब कराते हैं। आप सबसे बड़ा मुद्दा देखिएगा, बीजेपी को हारने का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कौन? सिर्फ बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने लोग ये मानते हैं कि बीजेपी हारेगी? मैं मानता हूँ हारेगी नहीं, लेकिन हारनी चाहिए, चाहिए तो मैम, हारती नहीं है जो भी है, लेकिन हारनी चाहिए मैम, ऐसी पार्टी को तो नहीं चाहिए, इससे अच्छी कोई भी पार्टी थी मैम। मैं मानता हूँ कि ठीक है समाजवादी में भी गुंडागर्दी थी जो भी था मैम, कम से कम एक एम्प्लॉयमेंट के लिए तो जरिया तो लोग पढ़ते तो थे मैम, कुछ भी वैकेंसी आती थी हमारे अंदर मोटिवेशन तो आता था कि हमको पढ़ना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी कोचिंगें हैं और यहाँ पर बहुत सारे युवा मौजूद थे, तो हम यहाँ पर रुक गए, हमने सोचा चलिए यहाँ पर इन लोगों की राय ले लेते हैं, आचार संहिता लग गया है और चुनाव की डेट भी आ गई है, और जब इन युवाओं से हम बात करते हैं क्योंकि ये लोग एजुकेटेड होते हैं तो ये मुद्दे से भटकते नहीं है, बिल्कुल मुद्दे पर टिक कर बात करते हैं, और आपने देखा कि किस तरह अपना अपना मुद्दा कैसे इन लोग ने उठाया, कैसे इन लोग ने बात की हमारे साथ, आपको मैंने सुनवाया, आपकी इस पर क्या राय है जरूर दीजिएगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।